हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ द पोएम ए वाटरिंग राइम। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस रीड द पोएम। पोएम नेम इज ए वाटरिंग राइम। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई Does not help the flowers, only makes them die. So students, इस poem में poet कहता है early in the morning or the evening hours are the times to water every kind of flower. ये कहता है कि हमें जो है फूलों में पानी देना चाहिए या तो early in the morning सुबह सुबह जल्दी उठकर और the evening hours या शाम के समय, है ना। हर प्रकार के फूल को पानी देने का यही बेस्ट समय है। वट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर ए प्लांट, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर। नेक्स्ट लाइन्स हैं, वाटरिंग एट नून डे मेक्स व्हेन द सन इज हाई डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई। तो पोएट कहता है वाटरिंग एट नून डे, यदि हम फूलों में दोपहर के समय, नून डे मीन्स मिडल ऑफ द डे, है ना, व्हेन द सन इज हाई, जब सन जो होता है ऊपर ऊंचाई पे होता है और पूरी गर्मी हो रही होती है, धूप निकल रही होती है, तो वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स ओनली मेक्स देम डाई। तो यदि आप नून डे में, एट नून टाइम पे आप वाटरिंग करोगे फ्लावर्स में, है ना, तो वो डज नॉट हेल्प द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स की किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगी, है ना, फ़ायदेमंद नहीं होगा, ओनली मेक्स देम डाई, और ऐसा करने से फूल जो है वो मुरझा जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर ए प्लांट, आइदर अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर। लेट अस रीड द नेक्स्ट पार्ट। ऑल्सो व्हेन यू वाटर वाटर एट द रूट्स फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर अवर बूट्स Soak the earth around them, then throw all the heat. Flowers will have water for their thirsty feet. तो बच्चों, यहाँ पे पोएम की मैं एक्सप्लानेशन करता हूँ। Also, when you water, water at the roots. जब भी आप प्लांट्स में पानी दे दीजिएगा तो वहाँ पे आपको पानी कहाँ डालना है, उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में, प्लांट्स की जड़ों में। Because flowers keep their mouths where we should wear our boots, because जो plants होते हैं वो, जैसे हम mouth से पानी पीते हैं, है ना, तो plants का जो mouth है, plants कहाँ से पानी पीते हैं, where we should wear our boots, जहाँ पे हम अपने boots पहनते हैं, जूते, shoes पहनते हैं, means feet में, ठीक है, वहाँ पे ही उनके, वहाँ से वो जड़ों के द्वारा जो है वो plants पानी सोखता है, पीता है। आगे कहता है सोक द अर्थ अराउंड देम, जो प्लांट्स है उसके आसपास की जो मिट्टी है उसे अच्छे से सोक कर लीजिए, सोक मीन्स उसे अच्छे से गीला कर लीजिए, भिगो दीजिए। देन थ्रो ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, और ऐसा करने पे जो क्या होगा, प्लांट्स जो हैं अपने थर्स्टी फीट कैसे कहा गया है, रूट्स को, तो प्लांट्स जो हैं रूट्स के द्वारा पानी को सोख लेंगे और वो जब पानी पिएंगे तो उन्हें हीट से छुटकारा मिलेगा, है ना। चलिए तो बच्चों, यही थी आपकी पोएम। पोएम का नेम क्या था, ए वाटरिंग राइम। तो यहाँ पे है अब न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है वाटरिंग। वाटरिंग मीन्स टू वाटर ए प्लांट, है ना, सेम इज वाटरिंग ए प्लांट, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज सोक। व्हाट डू यू मीन बाय सोक, लुक एट द पिक्चर, चनास आर सोक्ड बिफोर कुकिंग। कुकिंग करने से पहले चने को क्या किया जाता है, सोक किया जाता है, भिगो कर रखा जाता है। दीज आर बूट्स। I have a pair of boots. मेरे पास boots का एक जोड़ा है, है ना, pair है।
स्पेलिंग्स देखिएगा बच्चों, फर्स्ट था आर, है ना, एच ओ यू आर। नेक्स्ट इज वॉटरिंग, डब्ल्यू ए टी ई आर आई एन जी, वॉटरिंग। नेक्स्ट इज नूनडे, एन डबल ओ एन डी ए वाई, नूनडे। बूट्स, बी ओ ओ टी एस, बूट्स। नाउ इट इज सोक, एस ओ ए के, सोक। एंड लास्ट वर्ड इज हीट, एच ई ए टी, हीट। हीट मीन्स गर्मी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।